आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य देने के उद्देश्य से भावांतर भुगतान योजना का शुभारंभ किया। मालवा क्षेत्र में जल संकट के स्थायी समाधान के लिए नर्मदा शिप्रा लिंक द्वितीय चरण परियोजना को राज्य सरकार ने स्वीकृति दी। चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन भरने का काम शुरू और केंद्र ने सभी राज्यों को खाने पीने की चीजों में मिलावट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर जिले की खुरई तहसील में आज भावांतर भुगतान योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा है कि इस योजना में किसानों को बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम मिलने की दशा में उसके अंतर के बराबर की राशि सरकार के खजाने से दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके तहत गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा और कपास के फसलों की खरीदारी की जाएगी। इसके लिए सरकार एक मॉडल दाम निर्धारित करेगी। ये मॉडल राशि आसपास के राज्यों में उक्त उपज के दो महीने के औसत बाजार मूल्य के बराबर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा अधिकतम उत्पादन भी देखा जाएगा। प्रति हेक्टेयर किसी उपज का औसत उत्पादन कितना है, इसके आधार को भी गणना में लिया जाएगा। 5 सालों में 3 साल के जो सबसे ज्यादा रेट, सबसे ज्यादा उत्पादन है, उस उत्पादन को हम उत्पादन मानेंगे। उदाहरण के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे हम सागर जिले में हैं, सागर जिले में मक्के का उत्पादन 22 क्विंटल प्रति हेक्टर 5 साल में सर्वाधिक हुआ है, तो हम 22 क्विंटल मानेंगे। सागर जिले में अलग अलग फसलों में तुअर का उत्पादन 9 क्विंटल, उड़द का उत्पादन 7 क्विंटल, अलग अलग ऐसे जो उत्पादन है, सोयाबीन का 13 क्विंटल, तो एक एवरेज माना है, और मूंगफली का 20 क्विंटल। ऐसे हर जगह के लिए एवरेज पूरे इलाके के लिए निकालेंगे और उतना किसान से जरूर खरीदेंगे। मुझे पता है कि ये अधिकतम सीमा है। वहीं पूरे प्रदेश की 257 कृषि उपज मंडियों में भी इस योजना का शुभारंभ एक साथ मंत्रिमंडल के सदस्यों ने किया। करोंद कृषि उपज मंडी में राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कृषकों को प्रमाण पत्र वितरित किए। मंडला जिले की बिछिया कृषि उपज मंडी में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने इस योजना का शुभारंभ किया। वहीं छतरपुर जिले में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास कल्याण राज्य मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने इस योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि ये योजना किसानों के लिए कारगर सिद्ध होगी। देवास, हरदा, रायसेन, बैतूल, जबलपुर, आगरमालवा, नीमच सहित सभी जिलों में इस योजना के शुभारंभ अवसर की खबरें मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। आज गांधीनगर में गुजरात गौरव सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो लोग गुजरात के विकास पर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें राज्य की प्रगति के लिए अपने योगदान को भी याद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गुजरात के विकास के प्रति नकारात्मक सोच रखी है और उसने सरदार सरोवर परियोजना को भी पूरा नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने देश को बहुत से नेता दिए हैं, अब वो पार्टी झूठ फैलाने और निराशा का वातावरण पैदा करने का काम कर रही है। राज्य सरकार ने मालवा में जल संकट के स्थायी समाधान के लिए नर्मदा शिप्रा लिंक द्वितीय चरण परियोजना को अनुमोदित कर दिया है। नर्मदा नियंत्रण मंडल की 58वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2,215 करोड़ रुपए लागत की इस परियोजना के निर्माण की स्वीकृति दी। परियोजना में ओमकारेश्वर जलाशय से 45 किलोमीटर दूर ग्राम काकूखेड़ी जिला इंदौर के पास शिप्रा बेसिन में जल लाया जाएगा। इससे 10 क्यूमेक्स जल सिंचाई के लिए तथा 5 क्यूमेक्स पेयजल उद्योगों के लिए प्रदान किया जाएगा। इस परियोजना से उज्जैन तथा शाजापुर जिले में 30,000 हेक्टेयर रकबे को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में अगले 3 साल के दौरान 10 लाख नौकरियां सृजित होंगी। विश्व खाद्य दिवस के मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि भारत इस क्षेत्र में
$10 अरब के निवेश का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में खाद्य पैदावार के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि दूध, फल, सब्जी, दलहन तथा समुद्री उत्पाद के क्षेत्र में पहले स्थान पर है। प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों ने पटाखा व्यापारियों से कहा है कि पटाखे की दुकानों को बिजली लाइन और ट्रांसफार्मर के नीचे ना लगाएं, इससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इन सुझावों के साथ ही कंपनियों ने घरेलू उपभोक्ताओं से कहा है कि वे दीप पर्व पर विद्युत सुरक्षा और सावधानियां रखकर सुरक्षित तथा सुखद दीपावली मनाएं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। सतना जिले के चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ नाम निर्देशन पत्र जमा करवाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले दिन आज किसी भी अभ्यर्थी ने नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं किया। नाम निर्देशन पत्र 23 अक्टूबर तक जमा होंगे, जबकि 26 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। यहां 9 नवम्बर को मतदान होगा और 12 नवम्बर को मतगणना होगी। उपचुनाव कांग्रेस के विधायक प्रेम सिंह के निधन के कारण कराया जा रहा है। श्री सिंह का इसी वर्ष मई माह में निधन हो गया था। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को खाने की चीजों में मिलावट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज नई दिल्ली में विश्व खाद्य दिवस पर आयोजित एक समारोह के दौरान संबंधित अधिकारियों से त्योहारों के मौसम में मिलावट करने वालों पर नजर रखने को कहा है। इस अवसर पर श्री चौबे ने खाद्य वस्तुओं की बर्बादी रोकने के लिए एक मोबाइल ऐप इंडियन फूड रिकवरी अलायंस का शुभारंभ किया। प्रदेश में अगले वित्त वर्ष के लिए 162 सिंचाई परियोजनाएं क्रियान्वित करने का लक्ष्य तय किया गया है। इन परियोजनाओं से लगभग 3.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। वर्तमान में 40 लाख हेक्टेयर में वार्षिक सिंचाई के लक्ष्य को 60 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य है। प्रदेश में करीब 5000 वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। भिंड शहर में 2 महीने तक चलने वाले विशेष स्वच्छता अभियान की आज से शुरुआत हो गई। कलेक्टर इलैया राजा टी ने कहा है कि भिंड बदल रहा है, सफाई के लिए लोग जागरूक हो रहे हैं। इसमें जन प्रतिनिधियों की खास भूमिका है। जन जन के प्रयास से शहर स्वच्छ हो रहा है। होशंगाबाद जिले में आज सुबह एक यात्री बस के पलटने से उसमें सवार 17 यात्री घायल हो गए। पिपरिया की ओर जा रही बस ग्राम बुधवाड़ा के पास असंतुलित होकर पलट गई। सभी घायलों को होशंगाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर धार जिले में आज सुबह तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। राजधानी भोपाल में भी कार की टक्कर से 2 महिलाओं समेत 4 व्यक्ति घायल हो गए हैं। देवास में भी एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले में चल रहे 50 करोड़ रुपए के सीवेज निर्माण कार्य का नगरपालिका अध्यक्ष ने निरीक्षण किया। हरदा जिले में प्रभारी मंत्री लाल सिंह आर्य की अध्यक्षता में हंडिया में टूरिज्म समिति की बैठक संपन्न हुई। जबलपुर जिले को सूखाग्रस्त घोषित न किए जाने के विरोध में आज पाटन विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक ने जल सत्याग्रह कर विरोध जताया। रायसेन जिले में आयुष विभाग द्वारा कल निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। अशोकनगर में चंदेरी हैंडलूम पार्क में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा आज हस्तशिल्प सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य देने के उद्देश्य से भावांतर भुगतान योजना का शुभारंभ किया। मालवा क्षेत्र में जल संकट के स्थायी समाधान के लिए नर्मदा शिप्रा लिंक द्वितीय चरण परियोजना को राज्य सरकार ने स्वीकृति दी। चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन भरने का काम शुरू और केंद्र ने सभी राज्यों को खाने की चीजों में मिलावट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।